तो ये इतना तो बता दीजिए कि ये कौन सी कोर वैल्यूज हैं पॉलिटिक्स में जो आप चाहते हैं कि इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, आपके हिसाब से ये कौन सी वैल्यूज? मैं यह मानता हूं कि सबसे बड़ी चीज पॉलिटिक्स में काम करने वाले लीडर्स की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, उस पर किसी भी सूरत में साइन ऑफ इंटोगेशन नहीं लगना चाहिए, प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। जो कहे वो करे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को उठाकर आप देख लीजिए, जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है, जितने भी हमारे कमिटमेंट्स रहे। और मुझे याद है कि क्योंकि 2014 में मैं ही पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट था और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, मोदी जी मुझसे कहते थे कि राजनाथ जी देख लीजिएगा कि हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहीं कुछ ऐसा न हो कि हम लोग उसे न कर पाए। तो मैंने कहा नहीं, इसमें जो प्रिकॉशन लेंगे। और 2019 में भी इलेक्शन मैनिफेस्टो की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे ही दी थी, 2019 में मैं पार्टी प्रेसिडेंट नहीं था, इसका प्रिकॉशन लिया है। तो जो कहा हम लोगों ने, चाहे आर्टिकल 370 के बारे में कहा हो, चाहे इस सिटीजनशिप बिल के बारे में कहा हो, चाहे राम मंदिर के बारे में कहा हो, चाहे तीन तलाक के बारे में कहा हो, जो भी कहा है अक्षर से पूरा किया है। और देश को आगे ले जाएंगे, यह भी हमारा कमिटमेंट था, और दावे के साथ कह सकता हूं इस कमिटमेंट को भी निभाने में हम पूरी तरह से कामयाब रहे हैं, क्योंकि इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्टेचर बढ़ा है। और मैं तो पहले भी मैंने देखा है, आज भी मैं देखता हूं, और हमारे जो ऑडियंस यहां बैठी हुई है, इसमें फॉरेन जाने वाले बड़ी संख्या में लोग यहां बैठे हैं, पहले यदि किसी इंटरनेशनल फोरम पर इन लोगों को अपना कोई विचार व्यक्त करने का अवसर मिला होगा तो उस समय की स्थिति देखी होगी, और आज किसी इंटरनेशनल फोरम पर यदि आप अपने व्यूज, अपने विचार एक्सप्रेस करते हैं, उस समय किस प्रकार का रिस्पांस, अथवा किस प्रकार का फॉरेन कंट्रीज के जो डेलीगेट्स होते हैं उनका फेशियल एक्सप्रेशन होता है, उसमें आपको अंतर दिखाई देगा। पहले हम लोगों की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए लोग नहीं सुनते थे, लेकिन आज यदि भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत है।